फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन किसको कहते हैं, कोई आइडिया? सर कांटेक्ट फोर्स। सर कांटेक्ट फोर्स में तो अपोजिट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। कांटेक्ट फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो केवल ये कांटेक्ट फोर्स कहना सही नहीं रहेगा। दूसरा क्या बताया, अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ बॉडी? यस सर। ये भी गलत है। गलत कैसे है, जस्ट एक एग्जांपल देखो। ये बुक दिख रही है? हाँ सर। इस बुक के ऊपर एक मोबाइल दिख रहा है? हाँ सर। अगर मैं इस बुक को पुल कर रहा हूं आगे इधर से, तो ये मोबाइल भी इसके साथ जा रहा है। हाँ सर। मोबाइल को तो मैं छूने नहीं गया। नहीं सर। तो मोबाइल को आगे कौन ले जा रहा है? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है ना? यस सर। तो कहाँ मोबाइल, कहाँ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये एक मिथ है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है। और बताओ, फ्रिक्शन किस चीज का अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। मोशन और रिलेटिव मोशन में फर्क है। देखिए इधर, फ्रिक्शन इज property of matter in its solid state due to which it opposes relative motion. यहां पर दो चीजें याद रखना है। पहला, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, मोशन का नहीं रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और दूसरा, ये सॉलिड स्टेट में होता है। लिक्विड और फ्लूइड में फ्रिक्शन नहीं होता। वो बुक लिख देते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, ऐसा वैसा, उसमें उसको विस्कोसिटी कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं कहते। तो यहाँ जो मैंने लिखा अपोजेज रिलेटिव मोशन, यहां पर साथ में ये लिख लीजिए, नॉट मोशन ऑलवेज। रिलेटिव मोशन का मतलब हमेशा मोशन ही हो, ऐसा नहीं है। अब इन बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, सपोज ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे ये एक दूसरा ब्लॉक है और ये एक ग्राउंड। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को आगे पुल करता हूं, तो ऊपर वाला ब्लॉक ए और नीचे वाला ब्लॉक बी दोनों साथ साथ आते हैं। अलग अलग भी आ सकते हैं, बट अगर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन की कहानी क्या होगी, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये बात समझ आ रहा है? यस सर।
ए और बी के बी का फ्रिक्शन ए के लिए दिख रहा है कि मोशन को सपोर्ट कर रहा है, और बी के लिए दिख रहा है कि मोशन का अपोज कर रहा है। ये बात समझ आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर बोल बेटा, कुछ पूछ रहा है क्या? कुछ पूछा क्या? हेलो सर। अच्छा नहीं। हेलो हाँ बोल बेटा। सर हाँ सर, वो ए वाला फिर से समझा सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू है आपका, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो जैसा यहाँ पर दिख रहा है कि ए के मोशन का सपोर्ट कर रहा है और बी के मोशन का अपोज कर रहा है। किसी को कोई डाउट है? कोई बेटा कुछ पूछ रहा था, एक बार फिर से कोशिश करो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर हाँ सर, ए वाला फिर से समझा सकते हो? वो मेरा कनेक्शन चला गया। वो जो मैंने बुक वाला एग्जांपल दिखाया था हाथ पर, वो देखा था? हाँ वो देखा था, बुक और मोबाइल वाला। तो नीचे वाले बुक को जब मैं पुल करता हूँ तो साथ में मोबाइल भी आगे आता है। हाँ सर। तो मोबाइल को तो मैं टच करने नहीं गया, मोबाइल पर तो मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स तो नीचे वाले बुक पर लगाया। हाँ सर। मतलब मोबाइल और बुक के बीच का जो फ्रिक्शन है वही ए को आगे पुल कर रहा है। हाँ सर। तो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन ए पर आगे की ओर लग रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ए और बी के बीच का फ्रिक्शन ए पर आगे की ओर लगेगा तो बी पर पीछे की ओर लगेगा। हाँ सर। तो ए के लिए ये ड्राइविंग फोर्स हो गया और बी के लिए फ्रिक्शन यहाँ अपोजिंग फोर्स हो गया। ओके सर। श्योर? ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वही सेम चीज है ना। सो फॉर ए फ्रिक्शन इज ड्राइविंग फोर्स, इस एग्जांपल में। ये एग्जांपल सिर्फ मैंने इसलिए दिया कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन हटे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। बी के लिए फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। आगे बढ़ूं? एक और एग्जांपल। रिलेटिव मोशन और मोशन के क्या डिफरेंस है? मोशन और रिलेटिव मोशन। ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल देखो। सपोज ये एक व्हील है और ये व्हील ग्राउंड पर है। ये व्हील ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और वी से आगे भी जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखूं तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी भी इधर, और रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा इधर। ये बात समझ आया? कोई भी व्हील अगर रोटेट कर रहा है और आगे जा रहा है, रोलिंग बोलते हैं इसको,
जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज सपोर्ट सब कर सकता है, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी बोलूं तो वो वैल्यू होगा v माइनस आर ओमेगा, हाँ या ना, सोच के बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा होगी? यस सर। पक्का? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट v माइनस आर ओमेगा में? नहीं सर। तो अब डिपेंड करता है कि v आर ओमेगा से ज्यादा है, v आर ओमेगा के बराबर है, v आर ओमेगा से कम है। सो केस वन देखना ध्यान से। इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v और r ओमेगा इक्वल है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p जीरो दिखाई देगा, मतलब फ्रिक्शन जीरो रहेगा, रहेगा ही नहीं। यही अगर v ग्रेटर देन r ओमेगा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। केस थ्री, इफ वी लेस देन आर ओमेगा है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी पीछे की ओर होगा, तो उस केस में फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। तो इन तीन, घबरा मत, इतना डिफिकल्ट वाला आपको अभी नहीं पढ़ना है, दो तीन चैप्टर बाद रोटेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ये मैंने इसलिए चूज किया कि यहां से आपको ये समझ में आए कि फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है। तो देखो, पहले वाले केस में फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है और ऑब्जेक्ट का मोशन है, दूसरे वाले केस में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में एक्ट कर रहा है, और केस थ्री में ये ऑब्जेक्ट के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो मोशन को अपोज करेगा या मोशन को सपोर्ट करेगा। हाँ, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ये पक्का है। अब देखो यहां से रिलेटिव मोशन समझ में आएगा। ओवरऑल व्हील को देखें तो वो तो आगे जा रहा है, बोलो। ओवरऑल व्हील को देखें तो आगे जा रहा है, लेकिन पॉइंट पी को अगर देखें थोड़ी देर के लिए, V कम है और R ओमेगा ज्यादा है, मतलब आपके गाड़ी का टायर मड में फंस गया है और आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, वो घूमते जा रहा है लेकिन आगे कम जा रहा है, तो क्या होगा? R ओमेगा अगर ज्यादा होगा और V कम होगा तो पॉइंट P की वेलोसिटी लेफ्ट वार्ड होगी, तो फ्रिक्शन उसमें आगे लगेगा और मड से निकलने में सपोर्ट करेगा, अगर R ओमेगा ज्यादा है V से। तो समझ आया? वहीं दूसरी ओर अगर v ज्यादा है आर ओमेगा से, मतलब गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया, तो आर ओमेगा जीरो हो गया बट v है, तो फ्रिक्शन उस केस में पॉइंट p का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वहां फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जरूरत होती है तो मोशन का सपोर्ट भी करता है, जरूरत होती है तो मोशन का अपोज भी करता है, जरूरत नहीं होती है तो नहीं भी एक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन कैसा है। दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही, जरूरी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं इस चेयर पे बैठा हूं, चेयर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन है, बट अभी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है,
मैं अगर राइट जाऊंगा, मैं अगर आगे जाऊंगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट एक्ट करेगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा तो फ्रिक्शन राइट एक्ट करेगा, मैं आगे जाऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, मैं पीछे जाऊंगा तो फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगा, मैं जिधर जाऊंगा उसके हिसाब से एक्ट करेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं एक्ट करेगा। सो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बात समझ आया? यस सर। और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है, फ्रिक्शन मोशन का अपोज भी कर सकता है। फ्रिक्शन, तो फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, फ्रिक्शन मे सपोर्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टैक्ट सरफेस। ये दोनों पॉइंट समझ आया या नहीं? जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ूं, लिख लिया होगा सबने? यस यस सर। तो लिख लो तो आवाज दे दो, मैं अंदाजा से टाइम लेता हूं कि चलो अब हो गया होगा ऐसा। सर सेकंड वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या सेकंड वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सेम कहानी लिखा है कि फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक्ट करता है और वो मोशन का अपोज भी कर सकता है, मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कैसी है। ओके सर। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं। अब देखो फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और एक को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एग्जैक्टली क्या होता है अभी देखते हैं। सर एक डाउट था। बोलो। जो ए वाला डायग्राम बना था जिसमें दो ब्लॉक्स थे ए और बी, वैसे अगर हम लोग जो ग्लास एंड कॉइन का एक्सपेरिमेंट करते तो उसमें मतलब फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता क्या? कौन बोला नहीं एक्ट करता है सर? क्योंकि वो कॉइन लाइक मतलब नीचे जाता ना, नोट कार के साथ मूव नहीं होता ना। अच्छा सुनो गधे सुनो, जब ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो हर बार सक्सेसफुल हो जाते हो क्या? बहुत बार तो तुम्हारे कार्ड के साथ कॉइन आ जाता है ना। हाँ। तो उस समय ये उस समय फ्रिक्शन एक्ट करता है, बताओ। हाँ सर। ये तुम लोग फ्रिक्शन मतलब ये जो लॉजिक है ना तुम लोगों का मतलब पढ़ने का, मैं इससे बड़ा दुखी रहता हूँ। दुखी इसलिए रहता हूँ ये थॉट प्रोसेस ही बताता है कि तुम क्या सोच रहे हो। देखो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हो, ग्लास में पानी रख, ग्लास रख दिया, ग्लास के ऊपर पोस्ट कार्ड रख दिया, पोस्ट कार्ड के ऊपर क्वाइन रख दिया। अब पोस्ट कार्ड को खींचते हैं, क्वाइन उसके साथ आता है, बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वाइन नीचे गिर जाता है, पोस्ट कार्ड आ जाता है। तो तुमने क्वेश्चन इसमें से बनाया कि फ्रिक्शन तो रहता है फिर पोस्ट कार्ड क्यों आगे आ जाता है, यही बनाया ना? हाँ, यही बोल रहे हो तो लग रहा है कि ये गलत है। लेकिन इसके उल्टा जब 50 बार ऐसा करते हो जिसमें क्वाइन और पोस्ट कार्ड दोनों आता है तो उससे ये बात नहीं समझ आ रही है कि फ्रिक्शन उसमें फॉरवर्ड लग रहा है। यस सर। अब देखो क्यों ऐसा होता है, फिर मैं यही बुक लेता हूं और यही मोबाइल। अब देख ध्यान से देखना, अगर मैं इस बुक को आगे खींचूं तो मोबाइल इसके साथ साथ आएगा, थोड़ा और जोर से खींचूंगा तो ये इस पर स्लिप करेगा, ठीक है? और जोर से खींचूंगा तो ये और स्लिप करेगा। तो नीचे वाले का एक्सीलरेशन ध्यान से सुनना, वैसे टू ब्लॉक सिस्टम में मैं इसको पढ़ाऊंगा सब ध्यान से सुनेगा। ऊपर वाले को एक्सीलरेट कौन फोर्स कर रहा है? फ्रिक्शन। अच्छा, उस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, इतना ही लग सकता है, डिपेंड करता है उन दोनों के बीच जो भी होगा सीखेंगे, वो तो फिक्स है। लेकिन नीचे वाले पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो मेरे ऊपर है कि हम कितना लगा रहे हैं। यस। तो जब तक नीचे वाले का एक्सेलरेशन ऊपर वाले के मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन से कम है तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। yes. फ्रिक्शन फोर्स की एक फाइनल वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं एक्ट करता, हाँ या ना? हाँ सर। यानी कि अपर ब्लॉक फ्रिक्शन अपॉन मास वही अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो अपर ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एक फाइनल वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, हाँ या ना?
तो जब भी कभी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा के उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो डेफिनेटली दोनों के बीच का स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो दोनों के बीच का स्लिपिंग स्टार्ट होगा, तो जितने टाइम में नीचे वाला कार्ड इतना दूर आगे चल जाता है उतनी देर में क्वाइन ग्लास का, उसका एक्सेलरेशन उससे कम है तो ग्लास के डायमीटर के बराबर का डिस्टेंस भी नहीं चल पाता है, तो वो उसके अंदर गिर जाता है। आया समझ में? यस सर। वैसे इस पूरे सेक्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम में, इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है सब देखेंगे, नीचे वाले पर फोर्स लगाएंगे, ऊपर वाले पर लगाएंगे, दोनों पर लगाएंगे, कंडीशन ढूंढेंगे कि कब साथ साथ चलेगा, कंडीशन ढूंढेंगे कि कब अलग अलग चलेगा, ये देखेंगे। बट थ्योरेटिकली क्लियर हुआ ये बात? यस सर। तो देखो अब मैं जो कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ लॉन्ग जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, सब ध्यान से देखो और सिर्फ मेरी बात सुनो। सपोज ये टेबल है, इस टेबल को मैं आगे पुल कर रहा हूं 1 न्यूटन फोर्स से, टेबल आगे नहीं आया, ठीक है? यस सर। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन पीछे लग रहा था, न कम न ज्यादा। यस सर। फिर मैं इस टेबल को 2 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा हूं अपनी साइड, आगे नहीं आया, मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है पीछे की ओर, न कम न ज्यादा। यस सर। फिर मैंने फोर्स आगे की ओर बढ़ाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर टेबल आगे नहीं आया, मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होकर 3 न्यूटन हो गया पीछे की ओर। यस सर। तो इन सारे कंडीशन में में ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टैटिक है। यस सर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जब स्टैटिक हो तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। यस सर। है ना? फ्रिक्शन फोर्स चेंज करता रहेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। क्लियर है? तो जब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये जो मैंने बताया इसी का डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, टेबल है मान लो, इस पर मैं फोर्स एफ इधर लगा रहा हूं, तो ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये जो मैंने बात बोला इसी को जस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेरा अप्लाइड फोर्स, और ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है। जस्ट एग्जाम्पल दिया, अप्लाइड फोर्स मैंने 1 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अप्लाइड फोर्स मैंने 2 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अप्लाइड फोर्स मैंने 3 न्यूटन कर दिया, एग्जाम्पल डेटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, है ना? तो इसको हम लोग जो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है वो ये कि अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है इस रीजन में,
यहां से यहां तक, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो, ये अप्लाइड फोर्स है, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में रहता है। ये बात समझ में आ गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, नंबर वन। नंबर टू, स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है, क्लियर है। और नंबर थ्री, स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक रेंज होता है जीरो से लेकर उसका मैक्सिमम वैल्यू तक। ये तीन बात समझ आए? यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। नहीं, तो जो छोटा छोटा मैंने तीन बात बताया वो समझते हैं। पहली बात, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इक्वल होता है। ये दो बात समझ आई? है ना। और तीसरा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इज अ रेंज, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड इज अ रेंज, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं, रेंज होता है, जीरो से लेकर जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां तक एक्ट करेगा। ये बात समझ आया सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि इस टेबल को बढ़ाऊंगा। और अब इसी एक्सपेरिमेंट के टेबल को मैं बढ़ाता हूं। अब सपोज, जस्ट मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, 3.5 न्यूटन पर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 3.5 न्यूटन पर ये चलना शुरू किया, है ना, 3.5 न्यूटन पर ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, मतलब इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3.5 न्यूटन होगा, yes, है ना, 3.499 हो सकता है, ऐसा कुछ। तो इस प्रोसेस में, या ऐसा कर दो चलना, ठीक है, तो इस प्रोसेस में मैं एक जस्ट वैल्यू भी डाल ही देता हूं, 3.5 न्यूटन पर चलना शुरू किया मतलब फ्रिक्शन फोर्स जस्ट लेस देन 3.5 न्यूटन है, ऐसा। तो इस प्रोसेस में मोशन स्टार्ट हुआ, तो अभी तक रेस्ट पर था, यहां पर मोशन जस्ट स्टार्टेड। कोई दिक्कत? नो। इसके बाद क्या होगा, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे अगर मैं इससे ज्यादा कोई भी फोर्स लगा लूं, 3.6 न्यूटन या 3.7 न्यूटन या 3.8 न्यूटन, इन सारे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। यस सर। हाँ सर। और इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू अब फिक्स हो जाएगी, अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर है।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो केस है जहां पर मोशन स्टार्ट किया था, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जैक्टली वैल्यू के पीछे मत पड़ जाओ, सपोज 3.49 हो गया। अब तुम अप्लाइड फोर्स कितना भी लगाओ, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो दूसरी चीज हम सीखे, पहली चीज सीखे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, उसका मैक्सिमम अपोजिंग करने का कैपेसिटी उतना ही था। ये बात समझ आई? यस सर। तो इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहां पर जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सी से डी वाला, ऊपर वाले पे भी हम आते हैं, मैं बताता हूं, जो सी से डी वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, नाम से भी समझ आता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, काइनेटिक मतलब मोशन में। क्लियर है? Yes. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब ध्यान से सुनो। घर में कभी कभी देखा होगा कि बेड या सोफा एक जगह है और उसको तुम्हें खींचना है, तो तुम खींचते रहते हो, नहीं आता है। एक पॉइंट के बाद जब वो वहां से सरकना शुरू होता है, उसके बाद देखोगे कि एक बार अपने पोजीशन से हिल गया तो उसके बाद फर्दर पुल करने में उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, उससे थोड़ा कम लगाने की जरूरत होती है। ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस सर। एक बार वो मोशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद थोड़ा कम एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। मतलब मोशन स्टार्ट करते वक्त फ्रिक्शन ज्यादा था, लेकिन जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। ये ऑब्जर्व किया है? यस सर। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है यहां पर पॉइंट बी पर, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन दिख रहा है यहां पर, ये मैक्सिमम वैल्यू इससे थोड़ा छोटा है ना? यस सर। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। है ना? तो मेरे इस एक्सपेरिमेंट में देखो कि 3.5 न्यूटन पर चलना शुरू किया, मतलब अब जब चलेगा तब फ्रिक्शन फोर्स 3.5 से थोड़ा कम होगा। सो 3.5 या 3.51 कह देता हूं, जस्ट नहीं, 3.5 पे चलना शुरू किया। रुको एक काम करते हैं, तो इसको मैं 3.49 कह देता हूं, और इसके बाद जो एक्ट करेगा इसको 3.48 कह देता हूं। तो ये जो 3.49 है, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और 3.48 है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। समझे आप लोग? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो इट कैन बी फ्रॉम 0 to लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया समझ में? यस सर। पूरे फ्रिक्शन की थ्योरी को समझने के लिए ये एक ग्राफ मोर देन सफिशियंट है। ये समझ आ गया तो फ्रिक्शन में कभी दिक्कत नहीं होगी। So second type of friction was limiting friction. तो इस experimental analysis से देखो, मैं जो समझाया हूं ढूंढते रहोगे बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सीख लो। Limiting friction क्या हुआ? Maximum value of static friction.
है ना। ये बात समझ आए? हाँ सर। स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में मोशन स्टार्ट्स होता है। तो ये एक्ट करता है, दिस एक्ट्स एट द मोमेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है। अच्छा, वापस डेफिनेशन पे आना तुम लोग, अभी जस्ट मुझे ध्यान आया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक चीज और ऐड करना है, तुम लोग भी ऐड करो अभी तुरंत। नीचे वाला तो दिखाऊंगा या फिर बाद में दिखाऊंगा, नहीं। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और पोटेंशियल रिलेटिव मोशन। ये पोटेंशियल रिलेटिव मोशन क्या होता है ये भी समझाता हूं। सो मोशन होगा तभी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे सब लोग ध्यान से देखो, जैसे ये बुक है, इस बुक को मैंने टेढ़ा कर दिया तो इंक्लाइन प्लेन बन गया है ना। इसके ऊपर मैंने मोबाइल फोन रख दिया, मोबाइल फोन नहीं गिर रहा है? नहीं सर। लेकिन mg sin थीटा की वजह से गिरना चाहिए सर। सर। मतलब फ्रिक्शन इसको रोके हुए है। हाँ सर। मतलब यहाँ पर मोशन हो नहीं रहा है लेकिन पोटेंशियल मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है। कुछ भी हो, इस कंडीशन में मोबाइल ऊपर तो नहीं जाएगा ना भाई, या तो नीचे आएगा या कहीं नहीं जाएगा, है ना। या तो ये स्लाइड करके नीचे आएगा या रुका रहेगा, दो ही बात हो सकती है, ऊपर तो नहीं जा सकता ना। यस सर। सो अगर ये नीचे नहीं भी जा रहा है तो इसका पोटेंशियल मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही केस में अपवर्ड ही लगेगा। तो फ्रिक्शन मोशन हो रहा है तभी एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। स्टैटिक कंडीशन में मोशन नहीं होता है फिर भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। जैसे मैंने कहा, इस टेबल को मैं 1 न्यूटन से पुल कर रहा हूं, ये आगे नहीं आ रहा है, मोशन तो कोई नहीं हो रहा है, बट इसके मोशन का पोटेंशियल डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। समझे आप लोग? सर अगर इंक्लाइन ज्यादा होगा तो गिरेगा। हाँ तो गिरेगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा ना। फ्रिक्शन तब डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, फ्रिक्शन तो तब भी ऊपर की ओर ही एक्ट करेगा। स्टैटिक से काइनेटिक हो जाएगा ना। हाँ वो होगा स्टैटिक से काइनेटिक, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन वही रहेगा। ओके सर। थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब ये एग्जाम्पल देने के पीछे मेरा लॉजिक है कि मोशन हो तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है, ऐसा नहीं है। मोशन का तो अपोज करता ही है, पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का भी अपोज करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, है ना। So, object is under motion. और दूसरा, इसकी value slightly less than limiting friction. Slightly less than limiting friction.
प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहीं जरूरत होगी नहीं, लेकिन एज अ थ्योरी जानना जरूरी है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से बाकी है ना? यस सर, वो ग्राफ से। यस सर, ग्राफ से। ग्राफ से, तो एक मिनट रुको, इसका नाम दे देते हैं, इसकी एक हेडिंग दे देते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फंडामेंटली थ्री टाइप के हो गए। क्या हो गया? फ्रिक्शन फंडामेंटली थ्री टाइप्स के हो गए। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है या छोटा बड़ा करने की जरूरत है तो बताइएगा। मैं तो इसलिए करता हूँ, मुझे लगता है आप लोग अपने स्क्रीन से शायद कर पाते होंगे। सर ग्राफ पे थोड़ा ज़ूम कर, हो गया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? नहीं सुना बेटा, रहने दूं या और ज़ूम करूं? नहीं नहीं, बस इतना चलेगा सर।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ू? यस चलिए। अब देखिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कॉमन सेंस है ये लॉ। किसी भी दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन हमेशा सरफेस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन two surfaces in contact is always proportional to सरफेस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। ये तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने। देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अभी पुल कर रहा हूं, तो पुल करना आसान है। इसके ऊपर अगर मैं और कुछ फोर्स डाल दूं या दबा दूं तब इसको पुल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ग्राउंड और इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। यस सर। तो या इसको टेबल पर ही रख के खींचो तो खींचना आसान है, बट ऊपर से इसको अगर एक हाथ से तुम प्रेस कर दो तब खींचो तो खींचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ है ना। हाँ सर। So, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस विल बी इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू एन। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये इन दोनों सरफेस के बीच डिपेंड करता है, जैसे ग्लास और वुड के बीच, टायर और ग्राउंड के बीच डिपेंड करता है टायर कितना घिसा, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता रहता है। अब फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये भी तीन टाइप के होंगे। एक को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू एस, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे को म्यू एल, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और म्यू के, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आया? यस। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बोलो
सर फिर अगर दो सर्फेसेस के बीच में जो दो सर्फेसेस जो कांटेक्ट के बीच में होते हैं उसका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो भी एक तरह से फ्रिक्शन ही है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है ना? फ्रिक्शन नॉर्मल नहीं है, फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। हाँ सर, फ्रिक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं लगता। ओके सर। अच्छा, म्यू एस इसकी वैल्यू जीरो से लेकर म्यू एल के बीच कुछ भी हो सकती है ना? और म्यू एल क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, यही म्यू एल है ना? Yes. सिर्फ म्यू के ऐसा है जिसका एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है? म्यू के इसका इंडिपेंडेंट वैल्यू है। कॉमन सेंस है? बोलिए। यस सर, कांस्टेंट है इसलिए। हाँ, कोई डाउट इसमें? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। सॉरी, कैन यू राइट द इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वैल्यू? हाँ, कांस्टेंट होता है ये, इंडिपेंडेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो ये तीनों है, ये तीनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है? सो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस एंड म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर म्यू के स्मॉलर देन म्यू एल आएगा ना? हाँ, म्यू देखो, जब भी हम कभी म्यू एस लिखते हैं ना, तो म्यू एस का वैल्यू मतलब सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। जब भी कोई कहे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8 सपोज, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। म्यू एस का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, बीच की वैल्यू डिफाइंड तो है ही नहीं, नहीं समझे? वो जीरो से मैक्सिमम के बीच में ही कुछ होता है। तो म्यू एस जब हम बोलते हैं ना न्यूमेरिकल टर्म में, जैसे म्यू एस 0.8 है, मतलब दैट पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑनली। उसके बीच जीरो और 0.8 के बीच कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो म्यू एस लिखा हुआ है मतलब आप समझ लीजिए दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। क्लियर है? हाँ सर।
लिखिए सर. लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? यस सर. यस. अभी सिर्फ आप लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताने का कोशिश कीजिए. कुछ क्वेश्चन देता हूं, सब में फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताने की कोशिश कीजिए. कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको. फ्रिक्शन का फंडामेंटल समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये जानना जरूरी है कि क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहचान पाते हो. दिख रहा है दोनों क्वेश्चन? दिख रहा है दोनों क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ सर. यस सर. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहचानिए. अभी इतना ही कीजिए, फिर आगे प्रॉब्लम्स पे आते हैं.
हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। चलो फटाक से देखो, हो गया है फिर भी देखो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। देखो ब्लॉक किधर जा रहा है, ब्लॉक राइट या लेफ्ट जा रहा है? राइट जा रहा है। तो ब्लॉक राइट जा रहा है, फोर्स लेफ्ट जरूर लग रहा है, तो उसका रिटार्डेशन होगा, मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, बट जाएगा तो राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक के लोअर मोस्ट सरफेस पर पीछे की ओर लगेगा। यस सर। यस सर। और ग्राउंड के सरफेस पर आगे की ओर लगेगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? दूसरा वाला हो गया? हाँ सर। क्या हुआ बताओ? सर ए के लिए जो फोर्स फ्रिक्शन है वो लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में लगेगा, राइट में लगेगा, राइट में लगेगा, और बी के लिए लेफ्ट में लगेगा। चलिए देखते हैं, दोनों सरफेस रफ है तो ग्राउंड और बी के बीच का फ्रिक्शन बी पर तो पीछे की ओर लगेगा, ये पक्का है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट नहीं है? यस सर। अब देखो, बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये रिलेटिव मोशन क्या होता है, उन लोगों के लिए दूसरा तरीका भी है सोचने का, बट आज वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर बी पर बैठकर ए को देखूं तो ए मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? यस। ऑल्दो ए आगे जा रहा है, बट मैं बी पर बैठ के अगर ए को देखूं तो ए मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा, मतलब इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा।
डायग्राम समझ आया? फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को लेकर इन दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? सेकेंड वाला थोड़ा पूरा क्लियर नहीं, पूरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा था फ्रिक्शन फोर्स मोशन को नहीं रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हाँ। तो ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन कैसा है? तो इस बार उल्टा बताता हूं। मान लो तुम ए पर बैठ के बी को देखो तो बी किधर जाता हुआ दिखाई देगा? आगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड, ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी तुम्हें आगे जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ। तो फ्रिक्शन फोर्स बी पर पीछे की ओर लगेगा। यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स ए बी पर लगाएगा और बी ए पर लगाएगा, इक्वल अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ से, तो ए पर आगे की ओर लगेगा। पिछली बार दूसरा तरीका बोला था, पिछली बार मैंने कहा था कि तुम बी पर बैठे रहो और देखो ए किधर जा रहा है, तो बी पर जब बैठ जाओगे तो तुम्हें ए पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ए की स्पीड 10 है और तुम्हारी स्पीड 20 है, तो तुम्हें ए पीछे छुटता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, मतलब ए पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो कॉमन सेंस वाला। अब लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग पुली वाले जितने भी सम थे, इंक्लाइंड प्लेन, स्ट्रिंग पुली, टेबल टेबल, सब में एक फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, है ना? तो अगर लॉज ऑफ मोशन सही से नहीं किया है तुम लोगों ने तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन में एज अ थ्योरी कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वही है, एक एडिशनल फोर्स फ्रिक्शन का उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कोशिश करो जरा सा।
बोलो आया कुछ? यस सर। क्या आया? तो 5, 25 और 25। अभी देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.5। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 5 केजी का 50 न्यूटन इधर। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन इधर और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, मतलब इधर। यस सर। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक कंडीशन में म्यू एस इंटू एन लगेगा और काइनेटिक कंडीशन में म्यू के इंटू एन लगेगा, है ना। तो स्टैटिक कंडीशन में म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू इंटू एन, तो म्यू एस कितना है 0.6, तो 0.6 इंटू 50 दैट इज 30 न्यूटन लगेगा। यस सर। और काइनेटिक कंडीशन में म्यू के इंटू एन, तो म्यू के 0.5 और एन 50 दैट इज 25 न्यूटन। यस सर। मतलब 30 न्यूटन से नीचे के फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स पर ये चलेगा नहीं, ये पक्का है, है ना। ये बात समझ आ रही yes, है sir. तो क्वेश्चन ए में आओ। क्वेश्चन ए में एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, दैट इज 5 न्यूटन ही होगा, न कम न ज्यादा, ठीक है। यस सर। बी में एफ कितना दिया है 25 न्यूटन और वापस रेस्ट पर है, तो स्टैटिक में 30 न्यूटन है हमारे पास, तो जब तक 30 से ज्यादा नहीं होगा नहीं चलेगा। यस सर। इस पर भी रेस्ट पर है और सिंस रेस्ट पर है इसीलिए फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बराबर होगी, दैट इज 25 न्यूटन, है ना। यस। सी में 50 न्यूटन है, तो सी में 50 न्यूटन है विच इज ग्रेटर देन 30, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, दैट इज 25 न्यूटन। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? यस यस। वेरी गुड। तो अब जरा इसको कोशिश कीजिए। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए एक बार इसको।
बोलिए हुआ यस बोलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका खुद का वेट mg नीचे कितना 30 न्यूटन है ना यस सर नॉर्मल ऊपर सरफेस नॉर्मल ऊपर अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है 37 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर यस सर तो F का कंपोनेंट इधर हो जाएगा F साइन 37 और इधर हो जाएगा F कॉस 37 होगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर लगेगा यहां तक कोई दिक्कत F की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन और इसकी वैल्यू 40 न्यूटन यस सर है ना तो अब देखो जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन का म्यू एस दिया हुआ है यस सर 0.3 तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.3 इंटू 40 + 30 यस सर दैट इज 21 न्यूटन म्यू एस नहीं मतलब फ्रिक्शन में बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसा समझो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी यस सर और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0.25 इंटू 40 + 30 यस सर 17.5 न्यूटन ऐसा होगा एक्ट कितना कर रहा है 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है ना यस सर इसका मतलब मोशन होगा ये पक्का है यस सर हाँ सर तो मोशन अगर होगा तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हाँ सर सो मोशन इज हैपनिंग ये तो समझ में आ गया तो मोशन इज हैपनिंग तो मैं लिख दूंगा 3F/5 माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू ma लिख दूंगा यस सर अच्छा तो 3F/5 की वैल्यू देखा हमने 30 काइनेटिक देखा 17.5 आपने बताया मास 3 kg इंटू ए तो ये कितना हो जाएगा 12.5 अपॉन 3 ये एक्सेलरेशन होगा तो 4.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मेरा आंसर होगा यस सर पक्का कोई डाउट किसी को नो सर लिख लीजिए जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे थैंक यू सर या थैंक यू सर बाय सर Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, bye. Thank you, sir. Bye.